हाय यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2017 ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था एटीन ऑफ जून टू हैव अ क्विक डिस्कशन ऑफ ऑल दीज क्वेश्चन वन टू क्वेश्चन हंड्रेड ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर फर्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्राइवेट मेंबर बिल्स इज अ बिल प्रजेंटेड बाई अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुज़ नॉट इलेक्टेड बट नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में लोकसभा भी होती है राज्यसभा भी होती है राज्यसभा में कुछ मेंबर्स होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं लोकसभा में एंग्लो इंडियंस नॉमिनेशन होता था बट दो हजार बीस से अब ये नहीं होता है तो ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं अगर ये बिल ले कर आ रहे हैं तो क्या उनको प्राइवेट मेंबर बिल बोला जाएगा रिसेंटली प्राइवेट मेंबर बिल हैज़ बिन पासड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री रीसेंटली और फर्स्ट टाइम ये दो की वर्ड्स हैं सी ये गलत है रिसेंटली नहीं नाइनटीन सिक्सटी एट में भी ऐसा एक प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ था फर्स्ट टाइम नहीं है तो रिसेंटली दिस इज रोंग ये एब्सोलुटली रोंग है बिकॉज प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब होता है कि ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ और शी इज नॉट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट तो वो कहलाते हैं प्राइवेट मेंबर तो प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब नॉमिनेटेड नहीं होता है तो दिस इज रॉन्ग दिस इज ऑल्सो रॉन्ग सो द राइट ऑप्शन इज दिस क्वेश्चन नंबर टू विद रेफरेंस टू द डिफरें बिटवीन कल्चर कल्चर है ऋग वैदिक आर्यस का और इंडस वैली पीपल का विच ऑफ द फॉलोविंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इनमें से करेक्ट क्या है ऋग्वैदिक आर्यंस एंड आईवीसी आईवीसी पहले आए थे और उसके बाद ऋग्वैदिक आए थे आईवीसी के बाद ऋग्वैदिक आए थे ऋग्वैदिक आर्यंस आर्यस यूज टू कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट वॉरफेयर में जबकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी उनके पास ऐसे कोई एविडेंसेस नहीं दिखे हैं कि वॉरफेयर मेजर्स में उन्होंने ऐसे कुछ यूज किया है सो दिस इज ट्रू इंडस वैली सिविलाइजेशन वैसे भी वॉरफेयर में इतना ज्यादा प्रोफिशिएंट नहीं थी वो ट्रेड में ज़्यादा फोकस था ऋग्वैदिक आर्यंस को गोल्ड सिल्वर कॉपर पता था जबकि जो इंडस वैली थे उनको केवल कॉपर एंड आयरन कॉपर तो ठीक है बट आयरन नहीं पता था इंडस वैली सिविलाइजेशन को तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग मीन्स दिस इज रॉन्ग दिस इज रॉन्ग जैसे ही कोई एक स्टेटमेंट गलत पता चलता है ना तुरंत ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं तो दिस इज रॉन्ग दिस इज रॉन्ग अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे वन यहाँ भी है वन यहाँ भी है तो ये स्टेटमेंट में हम कन्फर्म नहीं है बट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज ए में भी ए वन है और सी में भी वन है तो दिस इज द वे टू प्रोसीड देन अब थर्ड स्टेटमेंट डिसाइड करेगा कि ए होगा या सी होगा ऋग्वैदिक आर्यंस ने डोमेस्टिकेट किया था हॉर्स को वेर इज देर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल एन सी आर टी की बात माने तो इंडस वैली पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ दिस हॉर्स सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी यूपीएससी ने भी इसको सी माना है दिस इज वाई सबसे बेस्ट रिसोर्स जो होता है वो होता है एनसीआर का और ट्रेडिशनल विजडम जो होता है कॉमनली जो एक्सेप्टेड फैक्ट्स हैं गो देर एक्सेप्शन में नहीं जाना है यूपीएससी भी जनरली इसी व्यू पॉइंट को प्रेफर करती है तो यूपीएससी ने नहीं माना था हॉर्स नहीं होता है सो वन एंड थ्री सी वन एंड थ्री नंबर थ्री नंबर थ्री इज रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम पहले से ही आपने कुछ लर्न किया हुआ है रिकोगनाइज होगा प्रायर लर्निंग स्कीम समटाइम्स मेन्शन है इन द न्यूज़ विद रेफरेंस टू ये जो स्कीम थी उस वक्त पे ये मेंशन थी कि सर्टिफाई हो जाएगा आपको पहले से कुछ पता है वो सर्टिफाई हो जाएगी स्किल्स अक्वायर्ड बाय कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थ्रू ट्रेडिशनल चैनल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको स्किल सेट है बट वो सर्टिफाइड नहीं है रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम दिस इज फॉर दिस ए के लिए ये करेक्ट है दिस इज़ नॉट अबाउट यूनिवर्सिटी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम रूरल टू अर्बन पुअर दिस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी नहीं है सर्टिफाई अक्वायर्ड ट्रेनिंग अंडर नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी नहीं है द राइट ऑप्शन इज दिस ए नंबर फोर इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कॉरिडोर होते हैं हैबिटेट्स होती है ये हैबिटेड वन हैबिटेड टू है इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है वो कहलाता है कॉरिडोर फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अज्यूम इम्पॉर्टेंस इन बींग अ गुड लिंक है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट्स में ये ईस्टर्न घाट्स चल रहे हैं इंडिया में दिस इज ईस्टर्न घाट एंड दिस इज वेस्टर्न घाट एक ऐसा रिजर्व है जो इन दोनों का कॉरिडोर बन रहा है इंटर लिंक कर रहा है वेस्ट को ईस्ट से ये है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व सत्य मंगलम टाइगर रिजर्व एक इंटरलिंक है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में सो द ऑप्शन इज दिस ए वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस इम्प्लीकेशन क्या है इक्वालिटी के सोसाइटी में सोसाइटी में अगर इक्वालिटी होती है तो क्या नहीं होता है अगर सबको बराबरी मिल गई तो किसी के पास भी कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं होगा सो इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी ये है कि सब बराबर हैं और किसी के पास भी कोई प्रिविलेज नहीं है प्रिविलेज मतलब प्रिविलेज बेस्ड ऑन रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ पर ऐसी कोई प्रिवलेजेस नहीं होगी सब इक्वल होंगे सो दिस इज इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी ए इज़ द राइट ऑप्शन नंबर सिक्स ट्रैफिक अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है कोविड नाइन्टीन हुआ तो इन वाइल्ड लाइफ की पोचिंग एंड ऑल भी हुआ दिस ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फोना एंड फ्लोरा जो इलीगल ट्रेड होता है उसको स्टॉप करना जरूरी होता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फोना एंड फ्लोरा फोना मीनस एनिमल फ्लोरा मीन्स दिस प्लांट्स ट्रैफिक एक ब्यूरो है अंडर यू एन ई पी इज इट ट्रू मिशन ऑफ ट्रैफिक है टू एंश्योर दैट ट्रेड जो वाइल्ड प्लाट्स एनिमल्स में हो रहा है वो थ्रेट नहीं हो टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर अब ये ऐसे स्टेटमेंट आते हैं ना जिसको आप गलत नहीं कर सकते नो मैटर वॉट ट्रैफिक इज इवन एक एनजीओ इंडिविजुअल भी है वो कोई चीज उसका पर्पज होगा कि ट्रेड जो है वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स का वो थ्रेट नहीं बन जाए कंजर्वेशन ऑफ नेचर के दिस हैज़ टू बी ट्रू सो दिस इज ट्रू बट ये यू के अंदर नहीं है ये एन है आई यू सी ने बनाया था सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी बी टू ओनली लेट इज मूव टू क्वेश्चन नंबर सेवन विद प्रिंसिपल ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है अमंग द फॉलोइंग जो एड हुआ था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डी पी एस पी आए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन आए ओके अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हैं इनमें भी बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ऑर्गेनिक है मॉडिफाई होता है चेंज्ड सर्कमस्टेंसेज के हिसाब से वो ऑल्टर होता है तो डी पी एस पी में फोर्टी सेकेंड जो अमेंडमेंट था उसमें क्या चेंजेस आए थे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन नो ये आया था दिस पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री दिस चेंज वॉज ब्रॉट इन दिस सेवेंथ दिस फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट इसमें और भी चेंजेस आए थे थर्टी नाइन थर्टी नाइन ए फोर्टी थ्री ए फोर्टी एट ए में इनके बताइए ये क्या क्या है फोर्टी एट ए इज अगेन इम्पोर्टेंट सो टेल्थ सो फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट में था पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर वर्कर हैं किसी भी इंडस्ट्रीज में मैनेजमेंट में उनका से होना चाहिए पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री दिस वॉज द अमेंडमेंट इन फोर्टी सेकेंड दिस डी पी एस पी इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्शन स्टेट को नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इनमें से करेक्ट क्या है राइट्स जो हैं वो क्लेम्स हैं स्टेट के अगेंस्ट द सिटीजन स्टेट्स के क्लेम्स हैं अगेंस्ट द सिटीजन ये तो बिल्कुल गलत है ऑपोजिट बात है, in है ये राइट्स प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट प्रिविलेज हैं ये राइट्स क्लेम्स हैं सिटीजन्स के अगेंस्ट द स्टेट अब ये जैसे दो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट आते हैं ना तो या तो ये होगा या ये होगा इन दोनों में से कुछ गलत इन दोनों में से चांस नहीं है बिकॉज या तो ये सही है ये सही है तो ये गलत है अगर ये गलत है तो ये सही है तो इन दोनों में से ही एक आंसर होगा तो दिस इज रॉन्ग दिस इज ट्रू राइट आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट अगेंस्ट द स्टेट सिटीजन्स के राइट्स हैं सो दिस इज सी नंबर नाइन विच ऑफ द फॉलोविंग गिव ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हर साल एक इंडेक्स रिपोर्ट का दिस क्वेश्चन आया है सो दिस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डब्ल्यूफ देती है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स राइट काउंसिल ऐसा काम नहीं करेगा यू एन वन भी नहीं है एंड डब्ल्यू एच ओ भी नहीं है नंबर टेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट है रिगार्डिंग स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन अभी जैसा है कोविड नाइनटीन एप हैकाथॉन हुआ एकाथॉन मतलब एक प्रॉब्लम चैलेंज दिया है और लोगों से स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन फाइंड करो तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है डेवलपिंग एवरी सिटी ऑफ अवर कंट्री इनटू स्मार्ट सिटीज़ इन अ डेकेड अब इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना ये कम्प्लीटली बोगस होते हैं फारफेज होते हैं कोई लॉजिक नहीं होता है तो ये अवर कंट्री है स्मार्ट सिटी को एक डेकेड में हम हर कंट्री दिस अवर कंट्री एवरी सिटी हर सिटी को हम स्मार्ट सिटी बना देंगे और वो भी दस साल में आप बताइए ऐसा हो सकता है बिल्कुल नहीं वन इज गॉन दिस इज गॉन देन थर्ड इज इट इज़ अ प्रोग्राम एम टू मेकिंग ऑल सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कंट्री के कंप्लीटली डिजिटल इन अ डेकेट अगर ऐसा हो भी सकता है तब भी हम ऐसा क्यों करें कि सारे ट्रांजेक्शन डिजिटल हो जाए इम्प्रैक्टिकल चीज़ है ये पॉसिबल ही नहीं है दिस इज रॉन्ग दिस इज रॉन्ग बचा टू तो टू इज द राइट ऑप्शन दिस इज द वे यू हैव टू थिंक even if you do not know the question concept but you can come to the answer if you show this presence of mind and this this is the way to approach such type of questions so this is b is the right answer number 11 monetary policy committee mpc continuously move mein hoti hai, news mein hoti hai, urjit patel ne recommend kiya tha it decides the rbi benchmark interest rate रिलीज होते हैं है, वो डिसाइड करते हैं क्या ये 12 होते हैं no. 6 होते हैं तीन दिस आरबीआई तीन गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव रिकॉन्स्टिट्यूटेड तो ये गलत है फंक्शन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर नो आरबीआई चीफ के अंदर होता है सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग तो वन ओनली इज द राइट ऑप्शन नंबर ट्वेल्व मणिपुर संकीर्तन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ये एक सॉन्ग और डांस परफॉर्मेंस है वेरी वेल पॉसिबल सॉन्ग और डांस परफॉर्मेंस हो सकता है सिम्बल्स आर द ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज इन द परफॉर्मेंस अब यहां सॉन्ग भी है डांस भी है और केवल केवल एक ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा ऐसा क्यों दिस इज रॉन्ग इट इज परफॉर्म टू नरेट द लाइफ एंड डीड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा वेरी मच पॉसिबल सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी वन एंड थ्री हु अमंग द फॉलोइंगर एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रेयोत वारी सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ये तीन टर्म है जमींदारी महलवारी रेयोतवारी इसके बारे में आपको सब पता होना चाहिए फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आए हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन में तो दिस इज अबाउट रेयोत वारी एलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो इज द राइट ऑप्शन लॉर्ड कॉनवॉलिस के टाइम पे था जमींदारी सो सी टू एंड थ्री नंबर फोर्टीन एक कॉन्टेक्स्ट है सॉल्विंग पॉल्यूशन प्रॉब्लम का पॉल्यूशन होता है उसको सॉल्व करना है इस कॉन्टेक्स्ट में व्हाट इज आर द एडवांटेज मतलब फायदे क्या है एडवांटेज ऑफ बायो बायो मतलब एनिमल्स बायो दिस समथिंग लिविंग रेमेडिएशन उनसे हम ठीक करा रहे हैं टेक्निक इट इज अ टेक्निक ऑफ फॉर क्लीनिंग अप पॉल्यूशन बाय एनहेंसिंग द सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस दैट अकर इन नेचर बिकॉज नेचर में भी क्या क्लिनजिंग होती है नेचर अपने आप चीज़ों को क्लींस कर देती है अगर कुछ ऐसा पॉल्यूशन टाइप चीज़ें होती है ऑटोमेटिकली हील होता है बायो रेमेडिएशन होता है तो हम उसको मेमिक कर रहे हैं एब्सोलूटली ट्रू एनी कंटेनमेंट नाउ एट द लैंग्वेज दिस इज द रीजन हर वर्ड ऐसे बोल बोल के रीड रीड करके हमने एनसीआर टीज पढ़ी है एंड दूसरी चीज़ें की है इससे क्या होता है कॉम्प्रिहेंशन चीज़ें समझ में आती है लैंग्वेज समझ में आती है अगर आपका लैंग्वेज में कमांड अच्छा है ना तो आपने फिफ्टी परसेंट बैटल तो ऐसे ही जीत लिया है एनी कंटेनमेंट विद हैवी मेटल सच एज कैडमियम एंड लीड कैन रेडली एंड कंप्लीटली ट्रीटेड बाय बायो रेमेडियशन यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज दिस पॉसिबल कोई भी कंटेनमेंट कंटेमिनेट हो किसी भी टाइप का कंटेमिनेट हो एनी लिखा है हैवी मेटल है कैडमियम भी है और वो रेडली हो जाएगा बहुत जल्दी हो जाएगा बाय दिस बायो रेमेडिएशन कम्प्लीटली नो दिस इज नॉट द वे ये नहीं होगा तो दिस इज रॉन्ग दिस इज रॉन्ग दिस इज रॉन्ग जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर बायो रेमिडिएशन ये हो सकता है कैन लिखा कैन बी ऑब्वियसली दिस इज पॉसिबल सो सी वन एंड थ्री फिफ्टींथ द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ नाइनटीन ट्वेंटी नाइन प्रोवाइड करता है ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट नाइनटीन ट्वेंटी नाइन ब्रिटिशर्स ये जो एक्ट था ना 1929 ये था कि एक ट्राइब्यूनल लाए ट्राइब्यूनल क्या होता है स्पेशल टाइप ऑफ केसेस को हैंडल करता है और जो स्ट्राइक्स होती थी उससे ब्रिटिशर्स बहुत परेशान थे तो बैन ऑन स्ट्राइक ट्रेड यूनियन की ये जो 1920 का दौर है ये पूरा ट्रेड यूनियन का दौर है सिस्टम ऑफ ट्राइबूनल्स हो और बैन हो स्ट्राइक्स में तो डी इज़ द राइट ऑप्शन पहला स्टेटमेंट था पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री ब्रिटिशर्स ऐसा क्यों चाहेंगे कि वर्कर का पार्टिसिपेशन अभी मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री में हो फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने ये फोर्टी थ्री दिस डी में लेके आए थे आर्बिट्ररी पावर वर्ड ही गलत है आर्बिट्ररी पावर हो जाएगा मैनेजमेंट टू क्वेल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स नो इंटरवेंशन बाय द ब्रिटिश कोर्ट इन द इवेंट ऑफ ट्रीट नो दिस इज द राइट ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन सिक्सटींथ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन एज एन एक्सरसाइज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दिस फोर्टी ग्राउंड लेवल पे हमने डेमोक्रेसी को डिसेंट्रलाइज किया है दिस इज नॉट डेलीगेशन भी नहीं है डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी ये नहीं होती है वो अलग होता है रेफरेंडम दिस एंड ऑल सो दिस इज बी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बी इज द राइट ऑप्शन सेवेंटीन विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे लिमिटेशन जैसे एफ होते हैं एफ क्या करते हैं लिमिटेशन करते हैं स्टेट पे तो क्या डी भी लिमिटेशन करेंगे एफ तो नेगेटिव ट्रेट होता है बट डी तो पॉजिटिव होता है तो ये लिमिटेशन तो करेगा नहीं लजिस्लेटिव फंक्शन भी नहीं होगा एग्जीक्यूटिव भी नहीं होगा नीदर बिकॉज डी पी एस पी इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन पॉजिटिविटी की तरफ एनकरेज कर रहा है एफ आर जो है वो नेगेटिव है स्टॉप कर रहा है फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स सो डी इज द राइट ऑप्शन दिस इज नंबर एटीन द टर्म डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी एशियन ब्रिक्स जी ट्वेंटी ब्रिक्स होगा नहीं इंडिया चाइना है सिंगल मार्केट कभी ये ट्राई करेंगे नहीं दिस इज रॉन्ग जी ट्वेंटी में इतना वेरिएशन है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज वो कभी ट्राई नहीं करेंगे एशियान पॉसिबल है बट उससे ज्यादा क्लोजली निटेड है दिस ई तो वो ट्राई कर सकते हैं सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी डिजिटल सो दिस न्यूज इज सी यूरोपियन यूनियन ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल था एज वन ऑफ द प्लेसेस इन इंडिया इफ यू स्टैंड ऑन द सी शोर समुद्र में शोर पे खड़े होंगे और सी को देखोगे यू विल फाइंड दैट सी वाटर रिसीड्स फ्रॉम द शोर लाइन शोर लाइन में पानी बहुत पीछे तरफ चला जाता है फ्यू किलोमीटर्स तक चला जाता है ज्वार भाटे आते हैं टाइट आते हैं एंड कम्स बैक टू द शोर ट्वाइस अ डे एंड यू कैन एक्चुअली वॉक ऑन द सी फ्लोर वेन द वॉटर रिसीड्स पानी पीछे गया है दिस यूनिक फिनोमिनोन एस सीन एट तो ये होता है चांदीपुर में ये किटकेट का एक एड भी आया था चांदीपुर ओडिशा दिस इज सी विद रेफरेंस टू प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी एट उन्नीस सौ अट्ठासी में आया था पी बी पी टी एक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन है इज नॉट ट्रीटेड एज बेनामी ट्रांजेक्शन अगर ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ नॉट अवेयर ऑफ द ट्रांजेक्शन मतलब आपको पता नहीं है ये ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन आपके नाम से हुआ है ऑनर है तो उसको बेनामी नहीं मानेंगे ऐसा क्यों बेनामी तो ट्रांजेक्शन को मानना पड़ेगा अगर वो बिना नाम से है ऑनर को पता है या नहीं पता है ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसकी रिकवरी भी होगा तो इसको नॉट ट्रीटेड नहीं होगा ये दिस इज रॉन्ग प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी आर लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन बाय द गवर्नमेंट अगर एक बार बेनामी है तो कॉन्फिस्केशन भी जरूरी है दिस इज ट्रू एक्ट प्रोवाइड करेगा थ्री ऑथोरिटेटिव फॉर इन्वेस्टिगेशन ठीक है इन्वेस्टिगेशन होगा बट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एन एपेलेट मैकेनिज्म हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में अगर पार्लियामेंट एक लॉ बनाता है उसके अगेंस्ट भी जुडिशल रिव्यू होता है मतलब एपेलेट तो होता ही है एनसीएल है एटसेट्रा तो यहां अपैलेट का क्यों नहीं है अपील तो होना ही चाहिए डज नॉट नो तो दिस इज रॉन्ग दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बी इज द राइट ऑप्शन टू इज द राइट ऑप्शन प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी आर लाएबल फॉर कॉन्फिस्केशन दिस इज ट्रू और ये नॉट नहीं होगा दिस वुड बी ट्रीटेड एज बेनामी सो बी इज द राइट ऑप्शन नंबर ट्वेंटी वन ड्यू टू सम समीजन किसी कारणों वर्ष इफ देर इज अज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई बटरफ्लाई की स्पीशीज में बहुत फॉल हो गया कुड बी इट्स लाइकली कॉन्सिक्वेंस जहां कॉन्सिक्वेंस आया है मतलब कुछ नेगेटिविटी होगी आगे इसका डिक्शनरी मीनिंग ही बताता है कि कॉन्सिक्वेंस मतलब देर टू बी सर्टेन बैड थिंग्स पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड येस बीज पॉलिनेशन में हेल्प करती है तो पॉलीनेशन ऑफ सम प्लांट्स एडवर्सली अफेक्टेड होगा एप्सोलूटली ट्रू देयर कुड भी ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लाट्स कुछ कल्टिवेटेड प्लान्ट फंगल इन्फेक्शन ड्रास्टिकली इंक्रीज होगा ऐसा कुछ हम डायरेक्टली कह नहीं सकते हैं इट कुड लीड टू अ फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम सम स्पीशीज ऑफ वास्प एंड स्पाइडर एंड बर्ड्स दिस इज पॉसिबल कुछ जो स्पीशीज है उधर होगा बिकॉज इकोसिस्टम में सब इंटरकनेक्टेड होता है और यहाँ सम भी लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा था ड्रास्टिक लिखा था इस टाइप के जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं उनकी पॉसिबिलिटी कम होती है सही होने की ड्रास्टिक इंक्रीज हो जाएगा यहां लिखा है सम स्पीशीज तो सम स्पीशीज इज पॉसिबल ये पॉसिबल है ये पॉसिबल है दिस इज नॉट पॉसिबल सी इज द राइट ऑप्शन ट्वेंटी टू इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस एलगे बेस्ड बायोफ्यूल एलगे होती है इससे हमने बायोफ्यूल बनाया गुड वॉट इज आर लाइकली लिमिटेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्री इन प्रमोटिंग दिस इंडस्ट्री यहाँ क्या लिखा है लिमिटेशन हो जाएंगे कुछ बाधाएं आएंगी जिससे इसको और फर्दर प्रमोट कर पाए क्या बाधाएं आ सकती है प्रोडक्शन ऑफ एलगे बेस्ड बायोफ्यूल इज पॉसिबल केवल सी में कॉन्टिनेंट में नहीं ऐसा क्यों कॉन्टिनेंट में भी लेक्स हो सकती हैं पॉन्स हो सकते हैं जहाँ पे हम बायोफ्यूल्स बना सकते हैं तो ऐसा क्यों रिस्ट्रिक्शन क्यों है कॉन्टिनेंट में कोई लॉजिकल थिंग नहीं है तो दिस इज रॉन्ग टू सेटिंग अप इंजीनियरिंग द एलगे बेस्ड बायोफुल प्रोडक्शन रिक्वायर हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज टेक्नोलॉजी अंटल द कंस्ट्रक्शन इज कम्प्लीटेड नो दिस इज पॉसिबल बिकॉज ये एक नीच चीज़ है स्पेसिफिक चीज़ है इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ेगी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी दिस इज ट्रू इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्शन ने करेगा सेटिंग अप ऑफ लार्ज स्केल फैसिलिटी विच में रेज इकोलॉजिकल एंड सोशल कंसर्न एक इकोनॉमी ऑफ स्केल होती है छोटी मात्रा में सामान का प्रोडक्शन हो रहा है तो वो फायदेमंद नहीं है अगर इसको फायदेमंद बनाना है तो नंबर्स बहुत बढ़ाने पड़ेंगे नंबर्स बढ़ाएंगे तो इसका इकोलॉजिकल सोशल कंसर्न भी होगा दिस इज ऑल्सो ट्रू ये लिमिटेशन कॉन्टिनेंट वाला नहीं होगा तो दिस इज रॉन्ग ट्रू ट्रू बी टू एंड थ्री पॉसिबल लिमिटेशन हो सकते हैं बायोफ्यूल एलगे में तो बी इज द राइट ऑप्शन ट्वेंटी थर्ड नेशनल न्यूट्रिशन मिशन टू क्रिएट अवेयरनेस इनमें से ऑब्जेक्टिव क्या है जब भी ऑब्जेक्टिव लिखा है ना वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं ऑब्जेक्टिव हमेशा नैरो होते हैं स्पेसिफिक होते हैं टू क्रिएट अवेयरनेस रिलेटिंग टू malnutrition न्यूट्रिशन अमंग प्रेगनेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर ये इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मल न्यूट्रिशन की स्पेशली प्रेगनेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर में तो न्यूट्रिशन मिशन से हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे अवेयरनेस करेंगे ट्रू रिड्यूस करेंगे इंसिडेंस ऑफ एनीमिया अमंग यंग चिल्ड्रन एडोलसन गर्ल्स एंड वेमेन एनीमिया होता है ब्लड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी मोस्टली बाय दिस डेफिशिएंसी ऑफ आयरन होता है तो ये हम रिड्यूस करेंगे प्रमोट करेंगे कंजम्पन ऑफ मिलेट कॉर्स सीरियल्स एंड अनपॉलिश राइस वाई दिस ओनली स्पेसिफिकली नो प्रमोट करेंगे कंजम्पशन ऑफ पोल्ट्री एग एग वैसे ही सेंसिटिव थोड़ा होता है वेज नॉन वेज तो ये क्यों गवर्नमेंट यहाँ पे प्रमोट करेगी सो फोर तो होगा नहीं दिस इज गॉन दिस इज गॉन मिलेट भी नहीं होगा द राइट ऑप्शन इज दिस ए ट्वेंटी फोर फैक्ट्रीज एक्ट एटीन एटी वन वॉज अ व्यू टू फिक्स द वेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर एंड टू अलाउ द वर्कर टू फॉर्म ट्रेड यूनियन एटीन एटी वन का जो एक्ट आया था इसमें ट्रेड यूनियन बनाने की परमिशन इन्हें दे दी गई ट्रेड यूनियन मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रॉब्लम तो वाई वुड दे अलाउ दिस नो एन एम लोखांडे वॉज अ पायोनियर इन ऑर्गेनाइजिंग द लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया ये बहुत बड़ा नाम है इन्होंने काफी काम किया है दिस लेबर मूवमेंट में दिस इज ट्रू बी ओनली इज द राइट ऑप्शन ये कॉन्टेक्स्ट है मिटिगेटिंग एन इम्पेंडिंग ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्टेक्स्ट में मिटिगेट करना है जो अपरिहार्य इम्पेंडिंग ग्लोबल वार्मिंग हो रही है एंथ्रो ह्यूम्स के कारण एंथ्रोपोजोनिक एमिजन कार्बन डाइऑक्साइड विच ऑफ द फॉलोविंग कैन बी द पोटेंशियल साइट फॉर कार्बन सिक्विस्टरेशन कार्बन को हम ऐसे सिक्विस्टरेशन करके एटमोस्फेरिक कार्बन को कम करें अबेंडेंट अन इकोनोमिक कोल सीम्स में डाल दें ट्रू डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिजर्व में डाल दें ट्रू सबलेटरन सब सब टर्न सब ट्रेनियन डीप सेलाइन फॉर्मेशन में डाल दें उन्हें यस सेलाइन फॉर्मेशन जो है वहां पे भी सिक्विस्टरेशन करके स्टोर कर दे हम तो दिस इज ऑल्सो ट्रू सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी वन टू एंड थ्री लेटस मूव टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स नाउ ऑब्जेक्टिव क्या था बटलर कमिटी का ये कमिटी 1927 ट्वेंटी सेवन में आई थी बटलर कमिटी बटलर कमिटी का जो ऑब्जेक्टिव था वो था इसी दौर पे दिस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन स्टेट्स के रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे थे तो द आइडिया वॉज टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट्स दिस वॉज दिस बटलर कमिटी ये जुरिस्डिक्शन डिफाइन करना नहीं था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी नहीं था सेंसरशिप की भी कोई बात नहीं थी द रीज़न वॉज दिस एट इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स नंबर ट्वेंटी सेवन डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट डोमेस्टिक घरेलू कंटेंट रिक्वायरमेंट इज समाइम सीन इन द न्यूज़ ये न्यूज़ में था डेवलपिंग सोलर पावर प्रोडक्शन इन अवर ओन कंट्री हम दिस इम्पोर्ट कराते हैं सोलर पैनल को इस में इन्वर्टेड दिस ड्यूटीज एंड ऑल हम डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट के थ्रू डेवलप करें सोलर पावर प्रोडक्शन इन अवर कंट्री वॉज द एम न्यूज में ये था उस टाइम पे फॉरन टी वी नहीं है अदर कंट्रीज एंड दिस फॉरन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज ऑल्सो नॉट ट्रू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्वेंटी एट नेशनल सिक्योरिटी समिट है पीरियोडिकली हेल्ड होती है एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशन ये यू एन के अंदर में नहीं होती है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है तो दिस इज रॉन्ग इंटरनेशनल पैनल फिजाइल मटीरियल ऑर्गन है ऑर्गन ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल एटोमिक एनर्जी एजेंसी आई ए ई ए दिस इज ऑल्सो रॉन्ग द राइट ऑप्शन इज दिस डी ट्वेंटी नाइन दिस इज़ अबाउट नेशनल पेंशन सिस्टम एन पी एस इसमें क्या केवल इंडियन सिटीजन्स ही जो रेसिडेंट हैं एन आर आई है वो नहीं ले पाएगा रेसीडेंट है क्या ऐसा होगा जब भी कोई गवर्नमेंट स्कीम्स आती है ना आप सोचो कि ये स्कीम मैंने डिज़ाइन की है आपको समझ में आ जाएगा कि क्या प्रैक्टिकल बात है क्या लॉजिकल है क्या इन लॉजिकल है दिस हेल्प्स तो क्या आप केवल रेजिडेंट को दोगे नॉन रेसिडेंट को नहीं दोगे दिस इज रॉन्ग ट्वेंटी वन टू फिफ्टी वॉट अबाउट अगर सिक्सटी नो रॉन्ग ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्वाइनिंग द सर्विसेज आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन बाई द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट मतलब स्कीम आ गई है रेस्पेक्टिव स्टेट ने नोटिफिकेशन निकाला तो वो फिर अब एन पी एस ज्वाइन कर सकते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रू ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये इंक्लूडिंग नहीं होता है एक्सक्लूडिंग होता है बिकॉज आर्म फोर्सेज का तो ऑलरेडी पेंशन दिया सो दिस इज एक्सक्लूडिंग आप इधर अब बनोगे ना दिस फॉर आई एस आई पी एस आई एफ एस तो पेंशन नहीं है जो पहले होती थी सो दिस इज एक्सक्लूडिंग है यहाँ पे इंक्लूडिंग नहीं है थर्टी तीसता रिवर विद रेफरेंस टू रिवर तीसता कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सोर्स जो है रिवर तीसता का वो सेम है ब्रह्मपुत्रा का बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम नो no, ब्रह्मपुत्रा तो इधर है तीसता इधर है वास्ट डिफरेंस सोर्स सेम नहीं है दिस इज रॉन्ग रिवर रंगीत ओरिजिनेट करती है सिक्किम में इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी टू रिवर तीस्ता ट्रू रिवर तीस्ता फ्लो होती है बे ऑफ बंगाल में ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश नो रिवर तीस्ता जाती है और ब्रह्मपुत्र इधर दिस इज रॉन्ग सो थ्री इज रॉन्ग एन सी आर टी ड्रेनेज चैप्टर अगेन ये चीज सॉल्व हो जाती है अभी तक एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला है जो ड्रेनेज चैप्टर एन सी आर टी से सॉल्व नहीं हो पाए सो दैट चैप्टर इज सो मच इंपॉर्टेंट दिस इज बी थर्टी वन ट्रॉपिकल रीजन है जीका वायरस उस टाइम पे था ट्रांसमिट होता है बाय द सेम मॉस्किटो दैट ट्रांसमिट डेंगू यस ये जो मॉस्किटो होते हैं ना ये वेक्टर कैरियर होते हैं बहुत सारी डिसीजेस के दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू बताइए मॉस्किटो एज अ कैरियर कौन कौन सी डिफरेंट डिसीजेस को कॉज करता है तो जीका वॉज वन सच डिसीज सेक्शुअल ट्रांसमिशन ऑफ जीका वायरस डिसीज इज पॉसिबल यस दिस इज पॉसिबल सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी बोथ वन एंड टू थर्टी टू ब्यूरो मार्क ऑफ दिस स्टैंडर्ड मार्क ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बी आई एस स्टैंडर्ड मार्क है बी आई एस जैसे टायर्स वगैरह इन सब में बी आई एस लगा होता है मैंडेटरी है फॉर ऑटोमेटिव टायर्स एंड ट्यूब्स इससे थोड़ा पता चलता है कि ये क्वालिटी है या नहीं है बी आई एस का साइन लगा है अश्योरेंस मिलता है इससे जो कस्टमर्स है उन्हें एगमा एगमार्क क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क है जो इशू करेगा एफ ए अब एफ ए तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एगमार्क इंडियन दिस में क्यों होगा दिस इज रॉन्ग एगमार्क जो होता है वो होता है डायरेक्टरेट ऑफ दिस मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन सो दिस इज रॉन्ग द राइट ऑप्शन इज दिस नंबर थर्टी थ्री वॉट इज आर द एडवांटेज एडवांटेजेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट स्कीम एन ए एम इससे क्या होगा पैन इंडिया पूरे इंडिया में एग्रीकल्चरल मार्केट एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल होगा एग्रीकल्चरल कमोडिटी का एब्सोलूटली ट्रू ऐसा पॉसिबल हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक है बैरियर्स यहाँ पे टूट जाएंगे ये प्रोवाइड करेगा फार्मर्स को टू एक्सेस नेशन वाइड मार्केट अब ये सही है तो नेशन वाइड मार्केट एक्सेस भी हो जाएगा प्राइस कॉमेंसोरेट विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस दिस इज ऑल्सो ट्रू दिस इज सी अभी हाल ही में ये जो दो बिल आए हैं सरकार ने दिस एग्रीकल्चर रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड दिस ए पी एम सी इवन एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिस अपकमिंग एग्जामिनेशन दिस इज एग्रीकल्चर विद रेफरेंस टू नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी ये रिट्रेट करती है इंडिया का कमिटमेंट दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड ट्रिप्स अग्रीमेंट एब्सोल्युटली ट्रू इंडिया इसमें फॉर्मली कमिटेड है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन डी आई पी पी इज द नोडल एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन इंडिया दिस इज ऑल्सो ट्रू सो बोथ वन एंड टू करेक्ट है यहाँ पे

सम प्रोविजन प्रोवाइडेड बाय लॉ तो देयर हैजू बी सम प्रोविजन जिसमें इनको हम हंट डाउन करें फॉर एग्जाम्पल ये अगर डैमेज कर रहे हैं वर्मेंट डिक्लेयर हुए हैं वाइल्ड बफेलो वाइल्ड एस घडियाल इवन टाइगर होता है टाइगर भी मैनिटर होता है उसको शूट डाउन किया जाता है सो so, ये लिखा है कि कैन नॉट बी हंटेड बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजन एक्सेप्ट अंडर प्रोविजन ये सारो ची, सारी चीजें डी वन टू थ्री घड़ियालो भी अगर लॉ ऐसा परमिट कर रहा है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में नहीं अंडर सर्टन प्रोविजन थर्टी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल राइट हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बिन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स दिस ड्यूटी ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है दीज ड्यूटीज एंड डी पी एस पीज हैं दे आर नॉट लीगली एनफोर्सिबल को रिलेटिव है लीगल ड्यूटीज के लिए ये भी गलत है तो द राइट ऑप्शन इज दिस डी थर्टी सेवन राधा कांत देव साहब फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन थे दिस गजलू लक्ष्मी रासू छेट्टी फाउंडर है मद्रास महाजन सभा के सुरेंद्र नाथ बेनर्जी फाउंडर है इंडियन एसोसिएशन के ये ट्रू है ये ट्रू है ये ट्रू नहीं है मैनी टाइम्स ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं इफ़ यू गेट इट वेरी गुड इफ यू डोंट गेट इट जस्ट मूव ऑन सो ये है वी राघवाचार्य जी सुब्रमण्यम आनंद चार्डू सो दिस इज रॉन्ग वन एंड थ्री इज द राइट ऑप्शन थर्टी एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट नॉट जहां भी है एन सर्कल एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ थाट इकोनॉमिक एक्सप्रेशन बिलीव नॉट लिखा है हमारे यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि इकोनॉमिक लिबर्टी होगी थाट की लिबर्टी है एक्सप्रेशन की है बिलीव की है बट इकोनॉमिक नहीं है नॉट एम्बॉडिड इन द प्रियम्बल सो दिस इज द राइट ऑप्शन थर्टी नाइन विद रेफरेंस टू क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया क्यू सी आई ये ज्वाइंटली सेटअप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन इंडस्ट्री दिस इज एप्सोलूटली ट्रू चेयरमैन जो क्यूसीआई के होते हैं वो अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर होते हैं ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ इंडस्ट्री टू द गवर्नमेंट इंडस्ट्री रिकमेंड करती है पीएम उनको अपॉइंट कर देते हैं एब्सोल्युटली ट्रू तो सी इज द राइट ऑप्शन व्हाट इज द पर्पस यहां लिखा है पर्पस सेटिंग अप ऑफ स्मॉल फाइनेंशियल बैंक एस एफ बी बैंक हमने बनाए हैं बैंक बनाए बैंक का काम क्या होता है लिक्विडिटी प्रोवाइड करना क्रेडिट प्रोवाइड करना सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट वेरी गुड ये क्रेडिट सप्लाई करेंगे बिजनेस यूनिट्स को सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर ओके यहां पे भी क्रेडिट सप्लाई हो बैंक का काम ये नहीं होता है कि वो ऑन्टरप्रोनोर बनाए यंग ऑन्टरप्रनोर को एनकरेज करें बिजनेस सेटअप करें और पर्टिकुलरली रूरल एरिया में दिस इज नॉट द पर्पज सो दिस इज ट्रू दिस इज ट्रू बैंक का काम होता है क्रेडिट प्रोवाइड कराना वन एंड टू दिस इज द राइट ऑप्शन फोर्टी वन विद रेफरेंस टू एशिया पैसेफिक मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस ऑन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट हेल्ड हुआ था इंडिया में दो हजार छः थीम थी इमरजिंग अर्बन फॉर्म्स पॉलिसी रेस्पॉन्स एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर ये जो ईयर है ना और थीम है ऐसा पैटर्न लास्ट ईयर भी देखा था जम्बल होते हैं यह थीम सिक्स की है फर्स्ट की थीम है सस्टेनेबल दिस अर्बन सो टू थाउजेंड सिक्स इज टू बट सस्टेनेबल अर्बन तो दिस इज रॉन्ग इंडिया ने होस्ट किया है ऑल जहां ऑल आता है बी केयरफुल ऑल द एनुअल मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस इन पार्टनरशिप विद एडीबी डी एंड एशियन रॉन्ग ये ईरान में भी हुआ है जॉर्डन में भी हुआ है सो दिस इज रॉन्ग दिस इज रॉन्ग दिस इज रॉन्ग फोर्टी टू डेमोक्रेसी की सुपीरियर वर्च्यू है लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इन एक्टिविटी हम जब एनसीआर पढ़ते हैं ना नोट्स शॉर्टकट्स नहीं पूरी प्रॉपर बुक पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन ऐसे तो ये टाइप के जो सवाल होते हैं ना बहुत ईजी हो जाते हैं डेमोक्रेसी की सुपीरियर वर्च्यू लाई होती है इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इन टू एक्टिविटी इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन दिस इज द ट्रू जब आप नोट्स पढ़ते हो ना तो वो शॉर्टकट्स होते हैं आपको बता दिया जाएगा ये ये होता है बट अगर किताब पढ़ते हो ना तो आपको पता चलेगा ये ये है बट क्यों है वाई इसका बैक स्टोरी क्या है इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन दिस इज ट्रू ऑप्शन स्ट्रेंदनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप ये कम्प्लीटली बोगज है इंडिविजुअल डायनामिजम एंड विजन वर्बॉसिटी बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर नाउ एब्जर्ड है ये कम्प्लीटली सो दिस इज ट्रू फोर्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट लाइकली मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मोबाइल वॉलेट विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट अब यूपीआई है वो मोबाइल वॉलेट के अगेंस्ट नहीं है यूपीआई स्टैंड अलॉन डिफरेंट थिंग तो ये जो यू है अब यू आएगा तो यू आएगा तो यू का पर्पस मोबाइल वॉलेट नहीं है बट यू आएगा तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आपने जो मोबाइल वॉलेट है पेटीएम एंड ऑल है पहले वहाँ पैसे दो फिर आप उसका पेमेंट करो डायरेक्टली आप अपने बैंक से यू के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं डिजिटल करेंसी विल टोटली लुक एट द वर्ड टोटली रिप्लेस द फिजिकल करेंसी इन अबाउट टू डेकेट ऐसा स्टेटमेंट पहले भी आया था दिस इज द ब्यूटी ऑफ सोल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको स्टेटमेंट समझ में आने लग जाते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं है एफ डी आई इन्फ्लो ड्रास्टिकली इंक्रीज होगा एब्सोल्यूटली रॉन्ग डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडी हो जाएगा पुअर पीपल विल बिकम वेरी इफेक्टिव दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूपीआई आएगा तो पहले बैंक अकाउंट होता था वॉलेट होता था फिर पेमेंट होता था यूपीआई होगा तो बैंक से सीधा पेमेंट हो जाएगा दिस इज द ट्रू ऑप्शन फोर्टी फोर इवेंट होराइजन सिंगुलरिटी स्ट्रिंग थ्योरी स्टैंडर्ड मॉडल हर साल ये एक टाइप का सवाल आया है कुछ टर्म्स होते हैं साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये किस कॉन्टेक्स्ट में है इनका कॉन्टेक्स्ट था ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स यूनिवर्स का ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग के लिए है दिस इज ए सोलर लूनर नहीं है सैटेलाइट नहीं है इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं है 45. विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इन इंडिया हाउ कैन द टेक्निक ऑफ जीनोम सिक्वेंसिंग ये कोविड नाइनटीन कॉन्टेक्स में फिर काफी न्यूज में है ऑफन सीन इन द न्यूज इमीजिएट फ्यूचर लिखा है पे अटेंशन इमीजिएट फ्यूचर जीनोम सीक्वेंसिंग कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई कैन लिखा है कैन कैन मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर फॉर डिसीज रेजिस्टेंट एंड ड्रॉड टॉलरेंस इन वेरियस क्रॉप प्लांट्स क्रॉप प्लैंट्स का जीनोम सिक्वेंसिंग करें जो हमें चेंज करना है हम चेंज कर सकते हैं उसमें पॉसिबिलिटी है दिस इज ट्रू टेक्निक हेल्प करेगा रिड्यूस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर डेवलप न्यू वेरायटी अगर जीनोम सिक्वेंसिंग है तो हम नई वेरायटी क्विकली बता पाएंगे ट्रू डेसीफर कर सकते हैं पोस्ट पोस्ट और पैथोजन रिलेशन क्रॉप में बिकॉज जीनोम सीक्वेंसिंग मतलब आपको पूरा उसका डिटेल्स पता चल गया है क्या डिजाइन है क्या स्ट्रक्चर है एटसेट्रा नाउ यू कैन ऑल्टर द स्पीशीज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट सो दिस इज ऑल्सो ट्रू वन टू थ्री हो सकता है मेन एडवांटेज क्या होता है पार्लियामेंट यहाँ पे एडवांटेज वर्ड लिखा है पे अटेंशन एडवांटेज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव वर्क इंडिपेंडेंटली इससे क्या फायदा होगा नो कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर एफिशिएंट ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसी होती है गवर्नमेंट चेंज पार्टी चेंज पॉलिसी चेंज एग्जीक्यूटिव रिमेन रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर नो दिस इज द थिंग हमने प्रेसिडेंशियल इसलिए नहीं लिया बिकॉज हमें रेस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए था लोकसभा राज्यसभा होती है और यहां से चुनके बनते हैं एग्जीक्यूटिव और वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट एंड लोकसभा इन पर्टिकुलर सो दिस इज ट्रू सी फोर्टी एट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट एंड ड्यूटी को रिलेटिव अगर आपको अधिकार मिले हैं तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं ये दोनों को रिलेटिव हैं ए राइट्स आर को रिलेटिव विद ड्यूटी पर्सनल इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज बोगस नॉट ड्यूटीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनलिटी नो ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट इससे कोई लेना देना नहीं है सो दिस इज रॉन्ग दिस इज रॉन्ग दिस इज रॉन्ग राइट को रिलेटिव होते हैं ड्यूटीज से तो ए इज द राइट ऑप्शन फोर्टी एट माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्टेड सी प्रीएम्बल जो है ना ये आईडी कार्ड है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रीफ में पूरा बता देता है थीम एसेंस क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सो दिस इज प्रीएम्बल अब अगर आप ट्रैवल करें रोड फ्रॉम कोहिमा टू तो कोटायम कोहिमा कोहिमादर नॉर्थ ईस्ट नागालैंड कोटायम का है केरला मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स बतानी है थ्रू विच यू कैन ट्रैवल इंक्लूडिंग द ओरिजिन ओरिजिन भी इंक्लूड करना है तो मतलब दो तो हो गए एक दो बीच की आपको स्टेट बतानी है दिस इज योर होमवर्क डू दिस पांच आएंगी वन टू सेवन बी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कंट्रोल करती है ओवर द फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अभी जो बजट जो मॉनसून सेशन है वो ट्रंकेट हो रहा है इस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं जीरो आवर क्वेश्चन आवर जो स्क्रैप हुआ इस इसपे सवाल उठ रहे हैं जीरो आवर हाफ आवर का हुआ बिकॉज जो कॉम होती है उस पर कंट्रोल करती है दिस पार्लियामेंट पार्लियामेंट एडजर्नमेंट मोशन लाती है क्वेश्चन आवर लाती है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आती है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्वेश्चन आवर एडजर्नमेंट मोशन इससे अकाउंटेबिलिटी सेट होती है सवाल पूछे जाते हैं उसका जवाब देना पड़ता है अकाउंटेबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव की ओवर दिस यहाँ पे पार्लियामेंट तो एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल दिस लोकसभा पार्लियामेंट और इनको चुन के किसने भेजा है हमने तो सिटीजन्स की ओवरऑल हम यहाँ पे इनसे अकाउंटेबिलिटी लेते हैं एडजर्नमेंट क्वेश्चन आवर एंड सप्लीमेंट्री वन टू थ्री फिफ्टी वन ये काफी इसमें काफी यहां था आंसर ये होगा या ये होगा मोटू पल्ली इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यूपीएससी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट था काकटिया किंगडम में मोटू पल्ली फिफ्टी टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है करेक्ट पूछा है ये इनिशिएटिव यूरोपियन यूनियन का है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस ये प्रोवाइड करेगा टेक्निकल फाइनेंशियल सपोर्ट टारगेटेड डेवलपिंग कंट्रीज़ को इंटीग्रेट करे क्लाइमेट चेंज डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड बजट्स में लुकिंग गुड डब्ल्यू और वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको कोऑर्डिनेट करेंगे अक्सर आप देखना है स्टेटमेंट्स में जो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना जब भी जैसे मैं ये फ्रेम कर रहा हूँ सेंटेंस मैंने ये तीन बातें सही लिखी मुझे एक स्टेटमेंट गलत करना है तो मैं क्या करूँगा ईयर चेंज कर दूंगा ईयर का कुछ चेंज कर दो या फिर जो नंबर लिखा है दस हज़ार को सौ बना दूंगा इस टाइप से ऑर्गेनाइजेशन है तो तीन ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिस इज ईजी थिंग मेनी अ टाइम्स जो क्वेश्चन पेपर बनाता है एमसीक्यू वो ऐसी चीज करता है दिस इज रॉन्ग वन एंड टू वन एंड टू ये यूरोपियन यूनियन दिस इज रॉन्ग फिफ्टी थ्री रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्वतंत्रिका एंड सम्मतिया वर द सेट्स ऑफ जैनिज्म अब क्वेश्चन पेपर बनाया एक पैराग्राफ लिया उससे एमसीक्यू डिजाइन करना है दो स्टेटमेंट बनाए वहा पहली लाइन में लिखा था स्वतंत्र का सम्मतिया वर द सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म बुद्धिज्म को रिप्लेस कर दिया जैनिज्म से तो ये रॉन्ग हो गया सर्वस्ती वेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फिनोमिन नॉट होली मोमेंटरली बट एग्जिस्टेड फॉर एवर इन लेटेंट फॉर्म इसका मीनिंग ही यही होता है हिंदी में कि वो हमेशा था शाश्वत था सर्वस्ती हमेशा से लेटेंट फॉर्म में हो सकता है सो दिस इज ट्रू और ये जैनिज्म नहीं है बुद्धिज्म है तो द राइट ऑप्शन इज दिस बी फिफ्टी फोर मेडिटेनियन फेवरेट एरिया है हर साल सवाल है मेडिटेरेनियन सी इज़ द बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री जॉर्डन इराक लेबनान सीरिया सी ये जो जॉर्डन है बीच में इसराइल आ जाता है तो जॉर्डन का सी नहीं होगा मेडिटेरेनियन से और इराक तो सवाल ही नहीं उठता है सो द राइट ऑप्शन इज दिस थ्री एंड फोर लेबनान एंड सीरिया यहाँ ऊपर लेबनान है और सीरिया ये यह यहाँ पर है सो लेबनान एंड सीरिया मेडिटेरेनियन जो है वो बॉर्डर कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री तो राइट ऑप्शन इज दिस लेबनान एंड सीरिया जॉर्डन नहीं है इराक नहीं है विद रेफरेंस टू नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एन आई आई एफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट ये ऑर्गन है नीति आयोग नीति आयोग बस एक नॉर एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है वन ये स्टेचुरी बॉडी भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है इसका काम है केवल थिंक टैंक पॉलिसी बनाना ऐसा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड मतलब बहुत सारा पैसा है यहाँ पे वो नीति आयोग को कभी नहीं दिया जाएगा सो दिस इज रॉन्ग ऑर्गन का कॉर्पस अब ये नंबर भी गलत है दिस इज रॉन्ग सो बोथ आर रॉन्ग नीदर वन नॉट टू ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जी आई एफ एशियन इनिशिएटिव है टू अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन एशिया एंड फाइनेंस बैंक क्रेडिट फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक ग्लोबल है इंफ्रास्ट्रक्चर इन एशिया नो वर्ल्ड बैंक पॉसिबल है कोलैबोरेशन फैसिलिटेट करे प्रिपरेशन स्ट्रक्चरिंग कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का पीपीपी से मोबिलाइज करे प्राइवेट सेक्टर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की कैपिटल को दिस इज ट्रू ओ का भी नहीं है अंगटाड ऐसे काम करेगा नहीं तो दिस इज ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दिस इज वर्ल्ड बैंक पीपीपी प्राइवेट एंड इंस्टीट्यूशनल कैपिटल को मूव करना है सो बी इज द राइट ऑप्शन इलेक्शन हुआ लोकसभा का नॉमिनेशन पेपर फाइल हो सकते हैं आपको लोकसभा का इलेक्शन करना है एनी वन रेसाइडिंग इन इंडिया तो अगर फॉरेन से कोई आया इंडिया में तो क्या वो लोकसभा का नॉमिनेशन फाइल कर पाएगा नो दैट इज़ नॉट राइट लॉजिकली नॉट पॉसिबल रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम विच द इलेक्शन इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड जो रेसिडेंट है कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो वहीं पर ही ऐसा कुछ कर पाएगा नो मैनी अ टाइम्स दूसरी जगह से भी फाइल होता है कई बार जो लीडर्स होते हैं वो दो अलग अलग जगह से चुनाव लड़ते हैं एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूंसी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका नाम है इलेक्टोरल रोल में तो यू कैन फाइट इलेक्शन एनी सिटीजन ऑफ इंडिया में भी नहीं होगा क्योंकि लेस देन एटीन भी सिटीजन तो इंडिया के हैं बट वो क्या इलिजिबल है नॉमिनेशन फाइल नो सो दिस इज द राइट ऑप्शन इंडिया में हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर फाइव स्टेट्स ओनली नो फाइव नहीं है हिमालय बहुत ज़्यादा है इधर से दिस जम्मू एंड कश्मीर से लेके दिस नॉर्थ ईस्ट तक हिमालयाज हैं फाइव नहीं है ये वेस्टर्न घाट्स केवल फाइव स्टेट्स है दिस इज ऑल्सो रॉन्ग गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटका केरला यस तमिलनाडु भी है पुलिकथ लेक स्प्रेड टू स्टेट्स ओनली दिस इज ट्रू नाम बताइए वो कौन से दो स्टेट्स हैं ऐसे बीच में पुलिकत लेक आ रही है सो ये रॉन्ग है ये ंग है ये ट्रू है रॉन्ग रॉन्ग ट्रू ये ग्यारह इंडियन स्टेट्स हैं जहां पे हम देख सकते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल उत्तराखंड सिक्किम अरुणाचल नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा मेघालय असम एंड वेस्ट बंगाल दिस हिमालया 59 BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये दो टर्म है COD BOD अक्सर पूछे हैं फ्रिक्वेंट है BOD ऑक्सीजन लेवल ब्लड नो नॉट एट ऑल कंप्यूटिंग ऑक्सीजन लेवल फॉरेस्ट इकोसिस्टम बोगस ये पॉल्यूशन ऐसे है एक्वेटिक इकोसिस्टम पॉन्ड्स लेक्स यहाँ पे अपन बीओडी से पता लगाते हैं कि यहां पे कितना पॉल्यूशन लेवल है तो सी इज द राइट ऑप्शन विद रेफरेंस टू द द रोल ऑफ हैबिटेट हैबिटेट इन यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम में यू हैबिटेट वर्किंग टूवर्ड अ बेटर अर्बन फ्यूचर विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट यू एनबिटेड हैज बीन मैंडेटेड बायनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यू एन जी प्रमोट करे सोशली एनवायरमेंटली सस्टेनेबल टाउन को सिटीज को प्रोवाइड करे एडिक्वेट शेल्टर को लुकिंग गुड ये हैबिटेट का काम है ये पार्टनर करेगा या तो गवर्नमेंट से या लोकल अर्बन अथॉरिटी ओनली ओनली आते ही वेरी केयरफुल नो ये एनजीओ एंड प्रोफेशनल से भी काम करेगा पार्टनरशिप करेगा रॉन्ग टू इज गॉन दिस इज गॉन दिस इज गॉन यू एन हैबिटेट कॉन्ट्रीब्यूट करेगी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम को रिड्यूस करें पॉवर्टी प्रमोट करें एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग और बेसिक सैनिटेशन ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू है वन एंड थ्री सिक्सटी वन विद रेफरेंस टू नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एनएसक्यूएफ क्यू एफ विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट अंडर एनएसक्यूएफ क्यू एफ अ लर्नर कैन अक्वायर द सर्टिफिकेशन फॉर कॉम्पिटेंसी ओनली थ्रू फॉर्मल लर्निंग वाई ओनली फॉर्मल लर्निंग आउटकम एक्सपेक्टेड फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन एन एस क्यू एफ का होता है मोबिलिटी मिल जाएगा वोकेशनल एंड जनरल एजुकेशन में वोकेशनल वोकेशनल फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों रॉन्ग राइट बी टू ओनली इज द राइट ऑप्शन सिक्सटी टू डाईआर की मतलब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री प्रिंसिपल ऑफ डायर मतलब डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट डेलीकेटेड टू द प्रोविसेज इंटू टू कैटेगरी ट्रांसफर्ड एंड दिस रिजर्व डायर की सबसे पहले कब आया था और फिर जब नाइनटीन थर्टी फाइव हुआ तो इसको हटा लिया गया था डायर की फ्रॉम दिस प्रोविंसियर था सेंट्रल लजिस्लेटर नहीं है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट नहीं है लंदन अनादर बुकस डी इज द राइट ऑप्शन ये है नेशनल करियर सर्विस एन सी एस नेशनल करियर सर्विस एक इनिशियटिव है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये ऐसे काम नहीं करता है दिस इज लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट नेशनल करियर सर्विस ये लॉन्च हुआ था मिशन मोड में टू इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू अनएजुकेटेड यूथ ऑफ द कंट्री नो दिस इज वॉज अबाउट दिस ब्लू कॉलर वर्कर्स प्रोफेशनल एंड ऑल सो दिस इज नॉट दिस सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग दिस इज ऑल्सो रॉन्ग राइट ऑप्शन इज दिस डी एस फोर ए ये स्कीम बहुत न्यूज में थी उस टाइम पे स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग फॉर स्ट्रेस्ड एसेट्स एस फोर ए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब एस फोर ए रिसेंटली सीन इन न्यूज ये एक प्रोसीजर है फॉर कंसिडरिंग इकोलॉजिकल कॉस्ट फॉर डेवलपमेंट स्कीम्स फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट इकोलॉजी से कोई रिलेशन नहीं है रॉन्ग ये था जब स्ट्रेस्ड एसेट्स बन जाते हैं स्ट्रेस्ड एसेट्स किसके बनते हैं बैंक्स के बनते हैं इट अ स्कीम ऑफ़ आर बी आई रीवर्किंग करे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बिग कारपोरेट एंटिटीज फेसिंग फैसिलिटीज़, कॉरपोरेट फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनने उन्हें लोन्स भी दी है एनपीए में भी बन रहा है तो दिस स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स द होल आइडिया इज एन पी ए को कम करें फॉर एग्जाम्पल अभी लोन मोरिटोरियम था लोन टोरियम के बाद अभी क्या हुआ रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है दिस एसेट्स को को। लोन्स बिकॉज़ एनपीए में कन्वर्ट नहीं होने देना है तो दिस इज ट्रू डिस इन्वेस्टमेंट प्लान भी नहीं है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक कोड रिसेंटली इंप्लीमेंटेड भी नहीं है राइट ऑप्शन इज दिस बी दिस इज अबाउट सिक्सटी फाइव क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन एक कोलिशन है ये टू रिड्यूस शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉलिटेंट शॉर्ट लिव मतलब कुछ पॉलिटिन होती है उनकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड ईयरस लाइक दैट ये शॉर्ट लिव्ड है ये इनिशियेटिव जी ट्वेंटी ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं जी ट्वेंटी का जो मेजोरिटी काम होता है ना वो इकोनॉमिक से रिलेटेड होता है क्लाइमेट रिलेटेड काम इतना होता नहीं है करती नहीं है वो सी सी ए सी फोकस ऑन मिथिन ब्लैक कार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोबन नो दिस इज पॉसिबल तो टू ओनली ये दिस वाइड कम्युनिटी है इंडिया का टेरी भी इसका पार्ट है जी ट्वेंटी इज नॉट सो 65 का हो गया बी सिक्सटी सिक्स इंडियन ओशन डायपोल डायपोल मतलब सी सो हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव समटाइम्स न्यूज में आता है फोरकास्टिंग इंडियन मॉनसून विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट आईओडी डी कैरेक्टराइज्ड है बाय डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर ओके बट एरिया क्या लिखा है ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशियन इंडियन ओशियन का दिस वेस्टर्न इंडियन ओशियन और ईस्टर्न पैसिफिक मतलब दिस एशियान क्रॉस करके पैसिफिक नो नॉट पॉसिबल रॉन्ग आईओडी फिनोमिन कैन इन्फ्लुएंस एन अल नीनो नो इम्पैक्ट ऑन द मॉनसून कैन भी लिखा है येस yes. इंफ्लुएंस होगा यूजली जब पॉजिटिव आईओडी होता है तो इंडिया में ज्यादा बारिश होती है नेगेटिव आईओडी होता है तो कम बारिश होती है तो टू ओनली इज राइट ऑप्शन है घड़ियाल घड़ियाल में ऐसे स्नाउट होता है घड़े की तरह ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल से डिफरेंट होते हैं इफ यू वॉन्ट टू सी घड़ियाल इन देयर नेचुरल हैबिटेट बेस्ट प्लेस टू विजिट क्या होगा ये चंबल रिवर में मिलते हैं चंबल रिवर में दिस घड़ियाल सेंचुरी भी है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल कहाँ मिलते हैं आंसर दिस क्वेश्चन सो दिस इज बी दिस इज अबाउट I O एन एस अगेन सी I O एन एस के रेस्पेक्ट में इनाग्रल आई ओ एन एस वॉज हेल्ड इन इंडिया दो हजार पंद्रह में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दिस इंडियन नेवी ईयर माइंड हमें देखना है पेपर सेट करने वाला कैसे बनाता है एम सी क्यूज दिस इज रॉन्ग आई ओ एन एस इज अ वॉलेंटरी इनिशिएटिव सीक्स टू इंक्रीज मेरी टाइम कोऑपरेशन अमंग नेवीज लिटोरल स्टेट्स ऑफ द इंडियन ओशन रीजन अब ये ऐसा जनरलाइज्ड लॉजिकल स्टेटमेंट है कि इसको रोंग करना डिफिकल्ट है दिस इज ट्रू वॉलेंटरी है लिटोरल स्टेट्स बी इज द राइट ऑप्शन सिक्सटी नाइन पेंटिंग है बोधिसत्व पदम पानी वन ऑफ द मोस्ट फेमस है ऑफन इलस्ट्रेटेड पेंटिंग है अजंता एनसीआरटी क्लास इलेवेंथ आर्ट बुक का चैप्टर हर सवाल सही होगा ये बुक आप एक बार पढ़ लो दिस इज ए अजंता अजंता में बुद्धिज्म है दिस एलोरा में जैनिज्म बुद्धिज्म और दिस जैनिज्म बुद्धिज्म और हिंदुज्म भी है सो दिस इज ए अजंता सेवेंटी दिस इज चालिया साहिब फेस्टिवल चालिया साहिब फेस्टिवल होता है सिंधीज का एब्सोलूटली ट्रू नंदराज यात्रा गोंड्स की नहीं है ये गोंड्स में नहीं है ये दिस गढ़वाल नॉर्थ में होती है और वारी वर्करी अभी कोविड नाइन्टीन न्यूज़ में हमने देखा था इनको परमिशन दिया था दिस पंदरपुर में यात्रा ऐसे निकालने का तो दिस इज नॉट संथल दिस इज महाराष्ट्रियन टर्म संथल नहीं होगा दिस इज रोंग रोंग दिस इज ट्रू सेवेंटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस कैन हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर कैन लिखा हैल्प हो सकता है जीरो टेलेज ऑफ द लैंड दिस खुदाई नहीं करें रिड्यूस करें जीरो टेलेज ऑफ द लैंड जुताई अपलाइंग जिप्सम बिफोर इरीगेटिंग द फील्ड नो दिस इज नॉट ट्रू अलाउविंग क्रॉप रेसिड्यू टू रिमेन इन द फील्ड रेसिड्यू वहीं पर होगा मॉइस्टर कंटेंट बना रहेगा हेल्प होगा दिस इज देयर दिस इज देयर दिस इज नॉट देयर वन एंड थ्री इज द राइट ऑप्शन सेवेंटी टू सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च हुआ था सॉइल की हेल्थ ताकि पता चले कि सॉइल की कंडीशन क्या है उसमें फर्टिलाइजर्स एंड ऑल सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम क्या फर्टिलाइजर्स होंगे किसान को पता होना चाहिए सॉइल की हेल्थ का एक्सपैंड करें कल्टिवेबल एरिया अंडर इरीगेशन इरीगेशन इज नॉट द थिंग द थिंग इज सॉइल की जो डेट्रीमेंटल हेल्थ होती जा रही है उसको स्टॉप करें चेक करें इनेबल करें बैंक को टू असेस द क्वांटम ऑफ लोन टू बी गारंटेड टू फॉर्मर ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल क्वालिटी दिस इज अगेन बोगस देन चेकिंग द ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन फॉर्मलेट यस आपको सॉइल पता है कैसी सॉइल है डेफिशिय है उसके अकॉर्डिंग फर्टिलाइजर दें तो ओवर यूज फर्टिलाईजर स्टॉप हो जाएगा वर्णा अक्सर किसान क्या करता है अपने मन से खूब सारी वहां पर फर्टिलाइजर डाल देता है वो शॉर्टेज है या नहीं है तो देट इज वाई सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम वॉज देयर थ्री ओरली सेवेंटी थ्री कॉमनली यूज कंज्यूम्ड मटेरियल है ये अन वेड कॉन्ट्रोवर्सियल केमिकल्स हैं लाइकली टू बी फाउंड इन दम लिपस्टिक में लिड होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल होता है चाइनीज फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ सो डी वन टू थ्री इज द राइट ऑप्शन सेवेंटी फोर ओ एल ई डी ऑर्गेनिक लाइट एमेडिक डायोड जैसे पहले कुछ मोबाइल में आई पी एस स्क्रीम आते थे फिर सैमसंग लेके आ गया दिस सुपर अमोलेड स्क्रीन इसमें ज्यादा ब्राइटनेस एंड ऑल डार्क प्योर डार्क होते हैं स्क्रीन टेक्नोलॉजी होती है ये आई एंड दिस OLED. अभी ओलेट भी ज्यादा आ रहे हैं इनका टेक्नोलॉजी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड यूज टू क्रिएट डिजिटल डिस्प्ले इन मैनी डिवाइसेज एडवांटेज क्या होते हैं एल पे ओलेट डिस्प्ले फैब्रिकेट हो सकता है फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सबस्ट्रेट में येस दिस इज एन एडवांटेज रोलअप ऐसे दिस जैसे सैमसंग का एक फ़ोन आया ना फ्लोट हो सकता है वो ऐसे फोल्डेबल है रोल अप डिस्प्ले एम्बेडेड इन क्लोदिंग कैन बी मेड यूजिंग ओलेट ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले भी पॉसिबल है यूजिंग ओल इट सो दिस इज ट्रू वन टू एंड थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस फॉर सन टेम्पल सन टेम्पल बताना है अरसावली आंध्रा में सन टेम्पल है अमरकंटा ओंकारेश्वर नो सो वन इज ट्रू ऑप्शन वन ओनली सेवेंटी सिक्स इलेक्शन है लोकसभा में स्टेट असेंबली में विनिंग कैंडिडेट को जरूरी है कि वो पचास प्रतिशत वोट जीते तभी वो डिक्लेयर इलेक्टेड होगा ऐसा नहीं है इंडिया में फर्स्ट द पोस्ट होता है अगर दस कैंडिडेट हैं उस दस कैंडिडेट में जिसके सबसे ज़्यादा वोट हैं वो जीतेगा ज़रूरी नहीं कि वो फिफ्टी परसेंट हंड्रेड है तो फिफ्टी सीट्स लेके आए नो जो कैंडिडेट्स में सबसे ज़्यादा वोट लाएगा वो जीतेगा अगर नोटा है अगर नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिल गए तो क्या नोटा जीत जाएगा आंसर दिस क्वेश्चन ये फिफ्टी नहीं है फर्स्ट द पोस्ट चलता है इंडिया में सो दिस इज़ रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लोकसभा में स्पीकर की पोस्ट जाती है मेजोरिटी पार्टी डेप्यूटी स्पीकर होता है ओपोजिशन बट ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है इसका चुनाव होता है वोटिंग के थ्रू ये सिस्टम डिसाइड होता है दिस प्रोटेम स्पीकर बनता है फिर वोट होता है फिर स्पीकर बनता है सो दिस इज डी नीदर वन नॉट टू चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैसे इलेक्शन होता है क्या वो भी आपस में चुनके बनाते हैं जो सेलेक्टेड के एम हैं राज्यसभा में वो वोट करके चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बनाएंगे इज दिस ट्रू विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हैव अकर्ड इन इंडिया आफ्टर इट्स लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी नाइनटीन में इक्यानवे के बाद शेयर ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी में इंक्रीज हुआ इनॉर्मसली लुक एट द लैंग्वेज वर्ड इनॉर्मसली नो एग्रीकल्चर वैसे भी 1991 के बाद सर्विस को फ़ायदा हुआ मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर को फ़ायदा नहीं हुआ शेयर ऑफ इंडिया का एक्सपोर्ट वर्ल्ड ट्रेड में इंक्रीज़ हुआ एफ डी आई इन्फ्लो इंक्रीज़ हुआ अब इसमें ऐसा नहीं लिखा है ड्रास्टिकली इनॉर्मसली एब्सोल्युटली इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज इनॉर्मसली ये हुआ है सो टू थ्री फोर बिकॉज यहाँ पे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा नहीं था इम्पोर्ट कवर नहीं था उसके बाद आज की रेट देखो आज हमारे पास बहुत सफिशेंट इम्पोर्ट कवर है फॉरेन एक्सचेंज बेटर हुआ है सो टू थ्री फोर वॉट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी बायो बायोलार्विसाइड्स नो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स बिल्कुल नहीं रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग क्लोनिंग में ये यूज होता है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ऑर्गेनिज्म फ्री ऑफ डिसीजेस वैसे भी पॉसिबल ही नहीं है बोगस सो दिस इज सी सेवेंटी नाइन एन पी सी आई सी हर साल सवाल आया है एन पी सी आई से नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया हेल्प करेगा प्रोमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री एबसोलूटली ट्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन एन पी सी आई एन पी सी आई लॉन्च करता है रूपे कार्ड पेमेंट स्कीम येस यूपीआई रूपे ये सारी चीजें एन पी सी आई का ही मैंडेट होता है वो वन एंड टू एम स्ट्राइप्स टाइगर में स्ट्राइप्स होती हैं यूनिकली आइडेंटिफाई होता है जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं ऐसे टाइगर की स्ट्राइप्स हम उन्हें मॉनिटर करते हैं अभी जो कैमरा ट्रैप है इंडिया का वो गिन बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी आया है इंडिया में अभी जो टाइगर सेंसस हुआ अभी नंबर ऑफ टाइगर्स कितने हो गए अब इंडिया में एम स्ट्राइप्स इज समाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व स्ट्राइप्स गवर्नमेंट जो भी स्कीम बनाती है ना अक्सर उसका जो एक्रोनेम होता है हिंदी या इंग्लिश वो उसका मीनिंग भी दिखाता है अब देखना उज्ज्वला डिस्कॉम या फिर स्वयं पोर्टल मीनिंग जो एक्रोनिम होता है वो कुछ ना कुछ रिलेटेड होता है सब्जेक्ट से स्ट्राइप्स टाइगर की स्ट्राइप्स 81 वन मोस्ट लाइकली एडवांटेज बताना है जीएसटी का ये रिप्लेस करेगा मल्टीपल टैक्सेस कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटी विल दस क्रिएट सिंगल मार्केट इन इंडिया जीएसटी आया था ना तो उसको गुड एंड सिंपल टैक्स बोला गया था ऑल दो अभी 2020 में आके ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया है गुड एंड सिंपल टैक्स ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स था कैसकेडिंग इफेक्ट कम कर रहा था और जो बहुत ज्यादा मल्टीपल टैक्सेस थे उसको ये इसने सब्ज्यूम कर लिया इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ये इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द करेंट अकाउंट डेफिसिट ड्रास्टिकली करेगा विल इनेबल इट इंक्रीज फॉरन एक्सचेंज रिजर्व नो ये इनॉर्मसली इंक्रीज कर देगा ग्रोथ इन साइज ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया और हमारा इतना अच्छा हो जाएगा कि हम चाइना को नियर फ्यूचर में पीछे छोड़ देंगे बिल्कुल भी गलत है ये बी इज सी इज़ रॉन्ग ऐसे स्टेटमेंट्स कभी ट्रू नहीं होते हैं दिस इज ए वन ओनली ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट है बी टी आई ए समाइम न्यूज में है इन द कॉन्टेक्स नेगोशिएशन हेल्प बिटवीन इंडिया ये यूरोपियन यूनियन के साथ बी टी आई ए अग्रीमेंट्स की बात थी एंडिया ने रेटिफाई किया ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट डब्लू टी ओ के साथ टी एफ ए पार्ट है डब्ल्यू टी ओ बाली मिनिस्टरियल पैकेज टू थाउजेंड थर्टीन का

ये चहाबार पोर्ट जाएंगे देन सेंट्रल एशिया में हम ऐसे कनेक्टिविटी हो जाएगी पाकिस्तान में डिपेंडेंट नहीं होगा टू एक्सेस अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया इंडिया में लीगली मैंडेटरी होता है विच ऑफ द फॉलोइंग को अगर साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट हो तो रिपोर्ट करें अगर किसी भी टाइप का ऐसा कुछ केस आता है साइबर सिक्योरिटी का तो रिपोर्टिंग मस्ट होती है चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो डेटा सेंटर हो या बॉडी कॉर्पोरेट हो रिपोर्टिंग हमेशा करना पड़ेगा अगर क्राइम हो रहा है या कुछ लैबसेज हो रहे हैं ऐसा नहीं कि आपने उसको हाइड किया वन टू एंड थ्री दीज आर ऑर ट्रू राइट टू वोट टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ इसीलिए एम्फेसाइज होता है एन सी ई आर टी आप पढ़ें यू पी एस सी एक ट्वेंटी वन ईयर साल के स्टूडेंट के लिए है जो फ्रेशली ग्रेजुएटेड हुआ है सिंपल सिंपल किताबें पढ़ी हैं उसने कोई हाईफाई नहीं सिंपल सिंपल बेसिक चीज़ें इतना सारा पेपर हमने देख लिया ऐसा कोई सवाल नहीं आता है जो बहुत एडवांस्ड आर एन डी लेवल नॉलेज चाहिए सो यू हैव टू गो फॉर दिस बेसिक एन सी आर टी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग एन सी आर टी के अकॉर्डिंग ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right है तो ये यू पी एस सी ने भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right माना है राइट टू वोट अब हम माने आर्टिकल थ्री ट्वेंटी सिक्स केवल सफरेज बोलता है फिर आर पी ए नाइनटीन फिफ्टी नाइनटीन फिफ्टी वन आता है वो फिर लीगल राइट right होना नो यू पी एस सी

फॉरन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इंडिया में कैम्पसेज ओपन कराने नो इंक्रीज करें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड इन गवर्नमेंट लुकिंग गुड बाई टेकिंग हेल्प फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर इन द कम्युनिटी हेल्प लेना है पढ़ाई के लिए हेल्प लेना है वेरी गुड एनकरेज करें वॉल्टरी मॉनिटरी कॉन्ट्रीब्यूशन प्राइवेट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन से इम्प्रूव करें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल में दिस इज रॉन्ग टू इज द राइट ऑप्शन ऐसे वॉलंटरी मॉनिटरी कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर दिस प्राइमरी सेकेंडरी नो टू इज द राइट ऑप्शन विद्या अंजलि विद्या अंजलि कॉम्युनिटी प्राइवेट सेक्टर अपने स्कूल में पढ़ा तो वहां पर आप अपना दिस विद्यांजलि दो हिंदी मीनिंग विद्यांजलि राइट ऑप्शन एटी नाइन उन्नत करना है भारत का अभियान उन्नत भारत अभियान आप ऑप्शन देखते हैं हंड्रेड परसेंट लिटरेसी हो जाएगी कोलैबोरेशन होगा वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट में लोकल कॉम्युनिटी में ऐसा पॉसिबल है नो no. कनेक्ट करें इंस्टीट्यूशन को हायर एजुकेशन उन्नति की तरफ ले जा रहे हैं लोकल कम्युनिटी डेवलपमेंटल चैलेंजेस थ्रू अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी अब इसका जो लैंग्वेज है ना वो भी रिफाइंड है लॉजिकल है प्रैक्टिकल सेंसिबल लग रहा है स्ट्रेंथनिंग इंडिया साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू मेक इंडिया साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल पावर दिस इज नॉट द मैंडेट ह्यूमन कैपिटल बनाए अलोकेट करें स्पेशल फंड हेल्थ केयर में रूरल अर्बन पुअर में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर देम नो उन्नत भारत अभियान इज दिस कॉम्युनिटी लोकल कॉम्युनिटी डेवलपमेंट चैलेंज थ्रू एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी दिस बी इज द राइट ऑप्शन नाइन्टी इलेक्शन कमीशन इंडिया फाइव मेंबर बॉडी है मल्टी मेंबर बॉडी है पहले वन थे अब थ्री हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिसाइड करेगी इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन होम अफेयर कहां से आ गया ये तो इलेक्शन ईसीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और सी अनाउंस करते हैं तो दिस इज रॉन्ग इलेक्शन कमीशन रिजोल्व द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट स्प्रिटर ऑफ रिकोग पॉलिटिकल पार्टी तो दिस इज ट्रू थ्री इज द ट्रू ऑप्शन ये गलत है थ्री मेंबर ये भी गलत है होम अफेयर मिनिस्ट्री डिसाइड नहीं करेगी दिस इज ट्रू नाइन्टी वन इंडिया में अगर एक स्पीशीज है टोर्टाइज की उसको डिक्लेयर कर दिया प्रोटेक्टेड है शेड्यूल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवनटी टू में इसका क्या तात्पर्य है अगर किसी चीज़ को सेम स्टेटस मिल गया है तो फिर डिफरेंशिएट नहीं होता है कैटेगरी में फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर एन आई एस तो वो सारे सब सेम कैटेगरी का होगा पोस्ट के बेसिस पे होगा शेड्यूल वन में अगर नाम आ गया है तो डजन मैटर वो टाइगर है या टोटॉइज है या समर है, 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 है. शेड्यूल वन में है मतलब सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है जैसा टाइगर को है टाइगर भी शेड्यूल वन में है टोटोइ आया तो वो भी सेम लेवल हो जाएगा अगर एलिफेंट है तो वो भी सेम लेवल हो जाएगा तो शेड्यूल वन का सब सिमिलैरिटी होगा विद इन ग्रुप सो दिस इज ए 92 इंडिया में जो जुडिशियल रिव्यू है इसका क्या मतलब होता है पावर ऑफ जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जैसे एनजे आया उसका जुडिशियल रिव्यू हुआ क्वॉश कर दिया गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो केशवानंद भारती केस के बाद इवॉल्व हुआ ग्रेजुअली हमने देखा जुडिशियल रिव्यू होता है हर चीज का जुडिशियल रिव्यू होगा पावर ऑफ जुडिशरी टू क्वेश्चन ऑफ लॉज इनैक्टेड बाई द लेजिस्लेट नो विजडम पे नहीं जाना है बस इस बात पर जाना है कि जो नियम बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू ऑल लजिस्लेटिव इनैक्टमेंट बिफोर दे आर असेंटेड टू बाई द प्रेसिडेंट नो बनने के बाद होता है पहले नहीं पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट नो दिस इज नॉट रिव्यू दिस इज रिव्यू पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया वो लॉ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है दैट इज दिस जुडिशल रिव्यू विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग म्यूटनी हुई रॉयल इंडियन नेवी में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई ये तो बहुत पहले ही हो गई थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नाइनटीन थर्टीज में यू आई एम अराउंड फोर्टी टू में हुआ म्यूटनी इसके बाद हुआ तो थ्री टू वन इज द राइट ऑप्शन टैक्स रेवेन्यू एज अ प परसेंट ऑफ जी डी पी ऑफ इंडिया स्टेडली ये स्टेडली वर्ड इज ऑल्सो वेरी पे अटेंशन स्टेडली मतलब एक डायरेक्शन में ही हुआ है बीच में ना कम हुआ है ना दिस फॉल हुआ है स्टेडली इंक्रीज हुआ है लास्ट डेकेड में फिजकल डेफिजिट एज अ प्रजेंट ऑफ पर्सेंट ऑफ जी डी पी ऑफ इंडिया स्टेडली इंक्रीज हुआ है लास्ट डेकेड में ऐसा दोनों गलत है स्टेडली ये भी नहीं हुआ है ये भी नहीं हुआ है दिस दिज बोथ टू आर रॉन्ग बीच में फ्लिप फ्लॉप हुआ है एक प्रपोजल था ट्रांसलोकेट करें सम ऑफ द लायंस फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट इन गुजरात टू विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ये बात है लायंस जो है ना वो पूरे रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं गुजरात में ही अगर यहाँ कुछ अनफॉर्चुनेट हुआ तो रिस्क हो जाएगा सो दैट इज वाई इनको दूसरी जगह पर रिलोकेट करें ऐसा आइडिया था कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चीता को कहाँ पे हम लाने की बात कर रहे हैं इंडियन चीता दिस एंड ऑल बिकॉज ये भी अब इंडिया में एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है सो दिस इज बी 96

ये, और ये 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 और दोनों नॉट करेक्ट है नॉट नेसेसरीली द कॉन्सिक्वेंसिस सो आंसर इज दिस बी वन एंड थ्री नाइनटी सेवन विच ऑफ द फॉलोविंग राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्रैफिक ह्यूमन बींग एंड फोर्स लेबर अनटचेबिलिटी का ये ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर आर्टिकल नहीं है बताइए अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल में प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर नहीं है ये कौन सा आर्टिकल है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री इन माइंड देर सो वन एंड फोर इज द आंसर ये इंडिया है अंडमान निकोबार है निकोबार देन ये इंडोनेशिया का जो पहला आइलैंड है दिस इज सुमात्रा इसके बाद जावा आता है बोर्नियो और पीछे है श्रीलंका काफी दूर है सो so सुमात्रा इज द राइट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइन द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ क्या है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो ये एक मैकेनिज्म है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो इंश्योर करता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कैबिनेट में ना सबको अग्री करना पड़ता है डिसीजन से अग्री नहीं कर पाते हैं तो उनको कैबिनेट से रिजाइन करना पड़ता है अभी एग्री बिल आया डिसीजन हुए एक एसोसिएट पार्टी थी उसने अग्री नहीं किया तो अभी एग्रे बिल के प्रोटेस्ट में रिजाइन कर दिया मिनिस्टर ने कैबिनेट स्विम टुगेदर सिंग टुगेदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर एंश्योरिंग कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल अब यह अरेंजमेंट नहीं है कि मिनिमाइज क्रिटिसिजम इससे कोई लेना देना नहीं है अगेंस्ट द गवर्नमेंट स्पीड अप करें एक्टिविटी नाउ स्पीड इज नॉट द थिंग कोविड वैक्सीन में हमने देखा ना स्पीड इज नॉट द थिंग द थिंग इज टू बी करेक्ट देन डिवाइस फॉर स्ट्रेंथनिंग द हैंड ऑफ द हेड ऑफ गवर्नमेंट हूज होल्ड ओवर द पब्लिक नो दिस इज अगेन बोगस हंड्रेड विच वन ऑफ द फॉलोविंग फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म का फीचर नहीं है इंडिपेंडेंट जुडिशरी ऑब्वियसली है पॉवर है क्लियरली डिडेड है स्टेट लिस्ट कॉन्ट लिस्ट एन दिसर दूनिट है इन द राज्य सभा यस इंडिया में अनईक्वल रिप्रेजेंटेशन है सबको बराबर नहीं है यूएस की तरह सिक्किम का कम है यूपी का ज्यादा है गोवा का कम है एम डिफरेंट है ये अग्रीमेंट नहीं है अमंग द फेडरेटिंग यूनिट दिस इज नॉट एन अग्रीमेंट यूएसए की तरह अग्रीमेंट नहीं है कि स्टेट्स ने मिलकर अग्रीमेंट किया और फिर वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बने इंडिया में इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स हैं स्टेट्स बनते बिगड़ते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड एडमिनिस्ट्रेटिव नीड सो दीज आर क्वेश्चन वन टू क्वेश्चन हंड्रेड ऑफ दिस प्रम्स पेपर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ